नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल तेज निगाहें। दिल्ली लोकसभा चुनाव में ड्यूटी देने वाले किसी भी कर्मचारी से कोई गलती ना हो जाए, इसके लिए दिल्ली के हर एक जिले में चुनाव में ड्यूटी देने वालों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी दौर में उत्तर पूर्वी जिला DM शशि कौशल के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली में 12 मई को चुनाव होंगे, इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू होंगी। चुनाव में ड्यूटी देने वाले सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी दौर में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में चुनाव प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बात करें तो इस लोकसभा में टोटल 10 विधानसभा और 2147 पोलिंग स्टेशन होंगे। इसके लिए DM शशि कौशल और ADM मनोज कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में इस प्रशिक्षण अभियान को नोडल ऑफिसर राजेश धोहल के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 222 सेक्टर ऑफिसर और मास्टर ट्रेनर के साथ समस्त कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हमारे यहाँ पे अम्बेडकर कॉलेज में ट्रेनिंग सेशन पोलिंग पार्टीज के लिए 10 तारीख से स्टार्ट हो गया था। ये जो कि 10, 11 और 12 तारीख को सभी 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंस की यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। पूरे वेन्यू में हम लोगों ने पोलिंग पार्टीज को, जैसे कि हमारे यहाँ पे 2147 पोलिंग स्टेशन है, उनके अकॉर्डिंग लगभग 12,500 पोलिंग पर्सनस आएंगे, जिनको कि हम लोग एक्सक्लूसिवली ट्रेनिंग हम इम्पार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमने रिसोर्स पर्सन को भी बुलाया हुआ है और हमारे मास्टर ट्रेनर्स भी हैं। रिसोर्स पर्सन उन लोगों को थियोरेटिकल ट्रेनिंग देते हैं, प्लस जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उन लोगों को VVPAT कंट्रोल यूनिट बेलोट यूनिट उसके बारे में उनको जानकारी देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस वेन्यू में उन लोगों को 50-50 के बैच में उन लोगों को ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए सभी सेक्टर ऑफिसर्स को ड्यूटी असाइन करी गई है। सेक्टर ऑफिसर्स को हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो ये लोग हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग है जो कि 10 तारीख से 12 तारीख को अम्बेडकर कॉलेज में चल रहा है। लाइकवाइज इन्हीं पोलिंग पार्टीज को जबकि सेकंड रैंडमाइजेशन हो जाएगा तो हम इनको दोबारा ट्रेनिंग देंगे, जो कि हमारी लगभग 26 से 28 तारीख या 30 तारीख तक जो चलेगी। उसमें हम लोग स्पेसिफिकली फिर दोबारा इनसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस EVM VVPAT उस पर हम लोग करवाएंगे। उसके बाद में जो भी अगर इसके बाद जो हमारा होगा वो थर्ड ट्रेनिंग होगा, जो थर्ड ट्रेनिंग 10 तारीख 11 तारीख के करीब होगा, पोल डे से एक दिन पहले वो जो थर्ड रैंडमाइजेशन होगा उस वक्त हम इनको ट्रेनिंग करवाएंगे। तो इसके बाद में इसके अलावा हम लोगों ने क्या कर रहा है कि सभी मास्टर ट्रेनर्स और सेक्टर ऑफिसर्स सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट में बांट दिए गए हैं, तो पोलिंग पार्टी जब भी आना चाहे, कभी भी आना है, उनको हम लोगों ने पूरे 24/7 वो लोग वहाँ पर आके ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये लोग हमारे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा मैं हूँ, मास्टर ट्रेनर्स हैं तो, और हमारी ADM सर हैं, RO मैडम हैं, उनकी गाइडेंस के हम लोग निरंतर डे बाई डे जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस आ रही है हम लोग ट्रेनिंग में इम्पार्ट कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से TV स्क्रीनों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चुनाव में EVM मशीन के बारे में पूर्ण जानकारी दी जा रही है। मॉडल के रूप में हर एक सेक्टर रूम में एक EVM मशीन रखी गई है, जिससे बहुत ही बारीकी से समझाया जा रहा है। मेरा नाम आशा कुमारी, कहाँ से आई हैं? मैं गाजियाबाद से आई हूँ ट्रेनिंग के लिए और मैं बॉलिंग वन ऑफिसर हूँ। आज जो मैम EVM के बारे में जानकारी दी जा रही है, हाँ, इसमें यहाँ हमें वोट किस तरह से डलवानी है, हमें जो जनता वोट देने आएगी उसको कैसे सेटिस्फाई करना है अबाउट द रूल्स जो नए आए हैं, और EVM के बारे में जो भी गड़बड़ बताते हैं, और उसके लिए VVPAT का इंट्रोडक्शन जो इस बार हुआ है उसका अच्छे से हमें यहाँ पे जानकारी दी गई है, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और उसका TV पे भी, स्क्रीन पे भी, मतलब हर चीज़ हमें करके दिखाई गई है, डेमो दिया गया है बड़े अच्छे से, और उससे मुझे पर्सनली भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। यहाँ बहुत सारे लोग 100% अटेंडेंस में हैं, तो देख के नज़र आ रहा है कि सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। हम जब यहाँ पे आए थे ट्रेनिंग के लिए, एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रेनिंग, और मोरूवर यहाँ का जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि इन लोगों ने विद द हेल्प ऑफ PPT के थ्रू सारी की सारी चीज़ें हमें एलैबोरेट की गई हैं, सारी की सारी जो PPT है वो पिक्टोरियल फॉर्म में है, वो टैबलेट फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म के, और सबसे बड़ी बात है कि जो VVPAT का, लाइक दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस, VVPAT का जो कि हमारा होता है, आई थिंक वोटर वेरीफाइबल, उन्होंने पूरी फुल फॉर्म भी बताई थी,
ठीक है, जिसके वजह से हमारी ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वोट काउंट होगी, लाइक दिस इज अ न्यू थिंग है। उन्होंने पूरी तरह से हमें एलैबोरेट करा है कि इसको तीन चीजें में बांटा गया है, तीन वाली जो चीजें हैं, हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है, हमारी बैलेट सिस्टम है, हमारा वीवीपैड है, उनको तीनों को किस तरह से कनेक्ट करना है, और सारी की सारी चीजें लाइक पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की अलग अलग ड्यूटीज और अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर की गए हैं, ताकि हम अपनी ड्यूटीज जितनी भी होंगी वहां पर पोलिंग स्टेशन पे अच्छी तरह से कंडक्ट करा सकें। कुमार शर्मा, कहाँ से आ रखे साहब? मैं सीमापुरी स्कूल से जी। और सर, यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है, किस बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके मतलब पूरा जो भी है? इलेक्शन के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है, इलेक्शन के बारे में ट्रेनिंग हमने अच्छी तरह से समझी है, सीखी है और समझ में भी आई है। और ईवीएम मशीन के बारे में जो कनेक्ट करना सिखाया गया है? हाँ, सीख गई जी। और वीवीपैट भी चालू करना देख लिया है, और मशीन से तीनों का यूनिट का कंट्रोल का चालू करना भी देख लिया है। जिला प्रशासन की माने तो इस प्रशिक्षण अभियान से चुनाव में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों को पूर्ण ज्ञान कराया जा रहा है, ताकि वोटरों को किसी भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। कमल पवार के साथ सन्नी गुप्ता, तेज निगाहें दिल्ली। लोकसभा चुनाव से तमाम जुड़ी हुई जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ, अपने कमेंट करना ना भूलें। आप दीजिए संदीप कुमार को इजाजत। नमस्कार।